नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो मेरे को भी ये प्रॉब्लम है थायराइड की, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरे को कम से कम 18-19 साल से ये प्रॉब्लम है, और ज्यादातर लेडीज को ये प्रॉब्लम हो जाती है सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद। बाकी आजकल के जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल हमारा, इसी वजह से तो आजकल बच्चियों को भी हो जाती है। पर वो वाली जो हाशिमोटो नाम की जो थायराइड होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, और जो हार्मोन्स वाली होती है ये अलग होती है। तो जो हाशिमोटो थायराइड होती है तो फिर भी हम रिमूव कर सकते हैं, हम इसको मतलब ये खत्म कर सकते हैं, ये खत्म हो जाती है। जैसे मेरे दोनों बच्चों को भी हो गई थी, मेरे बेटों को, तो उन्होंने अपनी रिमूव कर ली थायराइड, ये हाशिमोटो नाम की, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और काफी उन्होंने वेट लूज भी कर लिया है, और अब हेल्दी वे में वो अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी जो मेरी थायराइड है ये मेरे को हार्मोन्स वाली है, जो कि खासकर लेडीज को हो जाती है सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसे मेरे को जब थायराइड हुई थी, मेरे जो छोटा वाला बेटा हुआ उसके होने के बाद, तो तब से मेरी दवाइयाँ चल रही है, और तब से मेरी 100 mg ही दवाई चल रही है, उससे कम मेरी कभी नहीं हो पाई। इसका कारण ये है, मैं ये कारण बताना चाहती हूँ आप सबको, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए कि मतलब मेरे को डॉक्टर ने ये तो बोल दिया था कि 100 mg की थायरोक्सिन चलेगी, पर मेरे को ये नहीं बताया ये मेरी दवाई है, और आज तक मेरी ये 100 mg चल रही है पिछले 18-19 साल से। और इससे मतलब कि काफी सारी हानिकारक चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसको कैसे कम कर सकते हैं हम, अपने थायराइड को कैसे हम लेवल में रख सकते हैं, मतलब नॉर्मल वे में हम रख सकते हैं इसको, तो ये मैं बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे को अब तक नहीं पता था, पर मेरे को पता लग गया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि थायरोक्सिन चलेगी 100 mg की, मैंने बोला ठीक है, तो मेरी शुरू हो गई थी दवाइयां तब से। और डॉक्टर ने मेरे को कभी भी ये नहीं बताया कि जब जैसे हम सो के उठते हैं, तो जैसे हम ये सबसे पहले ये तो बता दिया था कि हमको ये गोली ये टेबलेट लेनी होती है एक पानी के साथ, पर मेरे को कभी भी ये नहीं बताया था कि मतलब कैसे लेनी है ये। तो मेरे को अज्ञानता के कारण मेरे को नहीं पता था, और डॉक्टर ने भी मेरे को नहीं बताया। तो मैं जैसे सुबह उठते ही मैं गोली लेती थी, उसके बाद मैं तुरंत ही बाद मैं चाय पी लेती थी या कॉफी, जो भी मतलब मैं पीती थी सुबह का जो ड्रिंक होता मेरा, तो मैं पी लेती थी। तो मेरे को अब तक ये बात पता ही नहीं थी, तो अब मेरे को एक डॉक्टर की वजह से मेरे को ये बात पता लगी, और अब मैं ढंग से इसको दवाई को ले रही हूँ। अब मेरे को उम्मीद है कि मेरी जल्दी ही ये कम पे आ जाएगी, और मेरी थायराइड है जो वो भी मतलब की नॉर्मल हो जाएगी। तो खत्म तो नहीं हो सकती ये वाली हार्मोन्स वाली, पर हाँ लेवल में आ सकती है, मतलब नॉर्मल हो सकती है थोड़ी। तो इसकी वजह से क्या क्या हानियां होती है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बाल पहले बहुत ही लंबे और भारी हुआ करते थे, तो मेरे बालों की क्वालिटी काफी खराब हो गई थायराइड की वजह से, और ये ज्यादा मतलब गोली लेने की वजह से, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को नुकसान करती है। और जैसे जो हमारी स्किन होती है वो भी डल हो जाती है, और ब्लैक भी हो जाती है, डल हो जाती है, और ग्लो सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये दवाई काफी हमारे स्किन को हमारे हेयर को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो अगर मतलब मैंने इतने सालों तक 100 mg लेती रही, 100 mg लेती रही, तो मेरे शरीर को इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ, ऐसे ये होता है कि मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे वेट लूज करना चाहते हैं, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, उन्होंने कई वीडियो में सुना भी होगा कई लोगों की, या कई डॉक्टरों को भी देखा होगा बताते हुए, या कई मतलब डॉक्टरों से ज्यादा जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं वो मिथ फैलाते हैं लोगों में। मिथ नहीं, वैसे तो मैं बताऊं ये बात सच्ची भी है, पर इससे बहुत शरीर में हानि होती है। तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि जैसे जो मेरी 100 mg चल रही है, मैंने भी किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी कम से कम 3-4 साल पहले, जब मेरा वेट कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने भी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, तो उसके देखने के बाद मेरे को पता लगा था कि जैसे थायराइड की मेरी मतलब 100 mg की दवाई चल रही है, तो जैसे मैं एक दिन में 200 mg लेने मतलब शुरू कर देती हूँ तो मेरा वेट कम होने लग जाएगा। तो मैंने उस यूट्यूबर की वीडियो को देख के, तो मैंने किसी से डॉक्टर से सलाह नहीं ली, कुछ भी नहीं, किससे बात नहीं की, और मैं रोज 150 mg या 200 mg रोज लेने लग गई थी चुपचाप से अपना आप ही। तो
तो उससे मेरे को ये हुआ था कि वहां शरीर में, मतलब कि मेरे को वजन में थोड़ा कमी होने लगी थी, महसूस होने लगी थी। और जैसे मैं वेट करके आती थी तो वेट में कमी आ रही थी मेरे, पर जो मेरे सिर के बाल थे बिल्कुल ही मतलब मेरे खत्म होते चले गए थे। ये पूरा यहाँ से गंजापन हो गया था, और जो ये पीछे पीछे के थोड़े से ये मतलब कि रहे थे, बाकी मेरे सारा मतलब कि जैसे मांग बहुत चौड़ी हो गई थी, और काफी मेरे हेयर लूज हो रहे थे, और मेरी स्किन बिल्कुल जैसे काली होने लग गई थी, काली पड़ गई थी और डल हो गई थी बिल्कुल स्किन। कोई ग्लो नहीं था, कोई कुछ नहीं। तो इससे हाँ, थायराइड की दवाई से होता है, वेट कम होता है, पर मैं बताना चाहती हूँ वेट कम तो होता है, पर इसके साथ नुकसान बहुत होता है हमारे शरीर को। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख के अगर ये दवाई ले रहे हो ज्यादा, या सोच रहे हो लेने की, तो कभी भी मत लेना। तो हम अगर हेल्दी वे में वेट कम करते हैं धीरे धीरे करके, सही जाए, पर वो वेट एक हमारा अच्छा वेट कम होना होता है, क्योंकि उससे हमारे जो स्किन होती है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता, जो हमारे हेयर होते हैं उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता, और धीरे धीरे करके कम वेट हो जाता है, और बाल और स्किन और सब कुछ अच्छा होता है, उससे रहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिर अब मेरे को एक डॉक्टर ने बताया, जो मेरे जो मतलब मेरे सर हैं डॉक्टर, जो जिनसे मैं पीआरपी करा के आती हूँ, और इंजेक्शन मैं लेजर भी करवाती हूँ उनसे, और पीआरपी भी कराती हूँ। मैंने 2-3 महीने से शुरू किया है ये सिटिंग लेना उनसे। तो उन्होंने सर ने बताया कि दवाई कैसे लेते हैं थायराइड की। तो उन्होंने बताया कि जैसे पूरी रात से हम सोए हुए हैं, हम मतलब कि खाना नहीं खाया हुआ हमने, तो कम से कम 3-4 घंटे का वो होना चाहिए कि हमने खाना नहीं खाया है, या कॉफी चाय कुछ नहीं पी है। तो सबसे सुबह उठ के पहले एक थायराइड की गोली लेनी होती है हमको, उसके बाद में फिर 1-1.5 घंटे और गैप देना होता है, उसके बाद फिर हम चाय कॉफी पी सकते हैं, या जो भी हमें खाना हो पीना हो सब कुछ खा पी सकते हैं। तो अब मुझे ये चीज पता लगी है, तो अब मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी, जिन्होंने जिनको मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, वो लोग भी अब ऐसे ही थायराइड की दवाई लें, के मतलब कि अगर सो हम सो के उठे हैं, जैसे मैं सुबह के 5 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ, 5 बजे मैं अलार्म के हिसाब से उठती हूँ, फिर मैं दवाई लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ या काम करती हूँ जो भी है, उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे तक चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीती हूँ, उसका 1-1.5 घंटा हो जाता, कम से कम 1.5 घंटा हो जाता है, उसके बाद मैं चाय या कॉफी पीती हूँ। और तो अब मेरे को मतलब कि इसका दवाई का असर होना शुरू हो गया है अच्छा, और अब मेरे मतलब धीरे धीरे करके मेरी थायराइड की दवाई कम मतलब MG की हो जाएगी, और उससे मेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे और मेरी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि मैं ट्रीटमेंट तो जैसे ले रही हूँ पीआरपी के और लेजर के, तो इसके साथ साथ अगर मैं थायराइड की दवाई भी ढंग से लूंगी तो काफी मेरे को फर्क पड़ेगा, जैसे मेरे को मेरी स्किन या मेरे हेयर्स यंग एज में होते थे अच्छे, वैसे ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती थी आपको, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपको कुछ बात मेरी अगर समझ ना आई हो, तो आप चाहें तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो मैं जरूर जवाब दूंगी, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि कोई फ्रेंड्स मेरे या कोई लोग गलती करें। तो नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।